अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, चटकारेदार, मसालेदार चिकन कौरमे की रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी इजी मैं आपको बताऊंगी ना, जो चिकन कौरमा लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। जो चिकन कौरमा पसंद करते हैं और बहुत ही उनको क्रेविंग होती है चिकन कौरमा खाने की, और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। बस जैसे मैं बना रही ना उसी मेथड के साथ आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो देखिए, यहाँ मैंने लिया है ऑयल और यहाँ मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए थे, उन्हें मैंने निकाल लिया था। और इसमें मैंने डाली है 4 मीडियम साइज़ की अनियन, जिसे हम करेंगे ब्राउन, और इसे जल्दी से ये हमारी ब्राउन हो जाए इसलिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, ताकि ये जल्दी से ना ब्राउन अच्छी सी हो जाए। अब ये ब्राउन हो गई है देखिए, तो इससे ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा हम करेंगे तो वो कड़वी हो जाएंगी। और इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और मैं आपको ऐसा तरीक़ा दे रही हूँ ना, बिना काजू, बादाम, मखाने या कोई भी ड्राई फ्रूट डाले बग़ैर आप बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा ये। और देखिए, जो मैंने गरम मसालों को ना इन्हें निकाल लिया था, खड़े गरम मसालों को फ्राई करके, वो मैंने दोबारा इसमें ऐड कर दिए हैं ऑयल में। इसमें मैंने 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड कर दिया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा जब तक भुनेगा नहीं तो हम स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। देखिए, जिंजर गार्लिक भुन चुका है, तो 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, और 1 टीस्पून यहाँ मैं ऐड करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि इससे कलर बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। सारे स्पाइसेस को देखिए हम इसमें भून लेंगे। मैंने मीडियम आंच कर दी है गैस की, और इसे देखिए भून रहे हैं हम। इसमें बबल से आने लगे ना, इसी पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून दही, और दही आप बहुत ज़्यादा खट्टा ना लें, और मतलब सही अच्छा दही होना चाहिए, ताज़ी दही होना चाहिए, क्योंकि ग्रेवी का टेस्ट ज़्यादा खट्टा दही ख़राब कर देता है। और देखिए, दही डालकर हम चलाते रहेंगे ताकि दही जो है हमारा फटे नहीं। अब देखिए, ये आप ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए पहली टिप है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मसाला है ना, इसको हमें इस तरह से भूनना है, ये जब तक दानेदार नहीं हो जाएगा ना तब तक हमें इसे भूनना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देना है। जो देखों में कौरमे पकते हैं ना, चिकन कौरमे, उनका यही तरीका होता है। जो मसाला होता है ना, ये सब मसाला देखिए वही है, कोई अलग से चीज़ नहीं पड़ी है, लेकिन इसका जो भूनने की टेक्निक है ना, देखिए इस तरह से चला चला के देखिए, कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए। हमारा मसाला बिल्कुल बिखर गया है, दानेदार मसाला हो गया है, देखिए कितना मज़ेदार हो गया है ये। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहा है। और अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जो मैंने पहले ही वॉश करके रख लिया था स्ट्रेनर में, चिकन हम इसमें डाल देंगे, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये कोरमा बनकर तैयार होगा। आप कहेंगे ना कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने देग में से जो देग के कोरमे बनते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा। करना क्या है, 2-3 टिप्स आपको बस इसमें यूज़ करनी है और कुछ नहीं करना। अब देखिए, यहाँ पर हमने मसाले वाली आपको बताई, गरम मसाले वाली बता दी कि गरम मसाला पहले ही भून कर निकाल लेना है, मिक्स वाला, अनियन को ब्राउन करने से पहले। और यहाँ पर हमने जो मसाला स्पाइसेस हैं उसे अच्छे से भूनना है जब तक दानेदार मसाला नहीं हो जाता है। और मसाला दानेदार हो जाएगा ना, तो चिकन डालकर हम इसमें इसको भूनेंगे अच्छे से, इसका कलर चेंज होने तक। और देखिए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है ना, तो हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने देखिए 1 कप पानी लिया है, मैं इसे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चिकन भी अपना पानी जो है ना वो रिलीज़ करता है। तो देखिए, सिर्फ इतना मैंने पानी डाला है, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है बस, और पूरा 1 कप पानी भी नहीं डाला मैंने इसमें। और हम इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है ना, तो हम इसे फुल फ्लेम पर ढककर पका लेंगे। और आपका चिकन इतना मज़ेदार बनकर तैयार होगा, आप जो भी खाएगा ना वो कहेगा कि हमें इसकी रेसिपी आप ज़रूर दें। और देखिए, यहाँ मैंने जो अनियन फ्राई की थी ना, उन्हें हमने कर लिया था पहले ठंडा।
आप जब भी अनियन फ्राई करें ना, तो फ्राई करके आप उसे ऐसी जगह ना रखें जिससे वो थोड़ी सॉफ्ट सी मुलायम सी पड़ जाती है ना, उनका क्रंचीपन ख़त्म नहीं होना चाहिए अनियन का। आप अनियन को फ्राई करके और पंखे में रख दें, कोई हवा जहाँ पर हवा हो वहाँ रख दें, और ठंडी हो जाएंगी तो ये क्रिस्पी सी हो जाएंगी, तब आप इन्हें जो है वो पीस लें जार में डालकर। और देखिए यहाँ पर जो है ना भुनाई पर आ गया है हमारा चिकन, कितना मज़ेदार मसालेदार हमारा चिकन लग रहा है। और इसे हम भून लेंगे अच्छे से जब तक इसका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता और इसके सारे फ्लेवर निकल कर नहीं आएंगे जब तक हम इसे अच्छे से नहीं भूनेंगे। और देखिए इसका ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो हमने जो ब्राउन अनियन को हमने पीसा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए अनियन डालते ही ना इसका कलर जो है ना एकदम से चेंज हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार सा कलर आएगा। और इसमें हम हल्का हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि देखिए मसाला बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है, अनियन भी हमने डाल दी तो बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं 3 टीस्पून सिर्फ पानी डालेंगे। और पानी डाल डाल कर हम इसे भूनते रहेंगे। देखिए कितना टेस्टी हमारा भुनकर तैयार हुआ है, और हमने इसमें 1/2 कप पानी ऐड किया है, और डाल डालकर पानी हम इसमें भूनते रहेंगे। इसकी भुनाई जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक आप कोरमे की, आप चाहे मटन कोरमा बनाएं, बीफ कोरमा बनाएं या चिकन कोरमा बनाएं, कोरमे की असल चीज़ क्या होती है ना, भुनाई। उसे आप भुनेंगे अच्छे से, जितना उतने ही अच्छा आपका जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार होगा। पानी मैंने यहाँ पे देखिए ज़्यादा ऐड नहीं किया है, सिर्फ 1/2 कप मैंने यहाँ पे, बल्कि 1 कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है, सिर्फ इतनी ही हम इसकी ग्रेवी लगाएंगे, हम ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करेंगे, कोरमा थोड़ा थिक सा ही अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर हमने पानी ऐड कर दिया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है इसमें, तो हम इसमें 1 टीस्पून जो है होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे, क्योंकि गरम मसाले से ना, इस पॉइंट पर आप गरम मसाला डालेंगे ना, जब आप इसमें पानी डाल चुके हों, सब ये भुन जाए और ऊपर ऑयल आ जाए, जब आप इसमें गरम मसाला डालते हैं तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, बहुत ही अच्छा अरोमा निकल कर आता है इसका। और इसे हम ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और देखिए हमारा कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। और यहाँ हम बना लेंगे अपने कोरमे के साथ खाने के लिए एक सैलेड। तो सैलेड में कोई ऐसी वो नहीं है, अलग से कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है ना, जब भी कोरमा बनता है मुझे कोरमे के साथ ये प्याज टमाटर और खीरे की जो सैलेड होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है कोरमे के साथ सैलेड। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से स्लाइसेस में टमाटोज़ कट कर लिए थे, खीरे भी कट कर लिए थे, ऐसे ही स्लाइसेस में मैंने अनियन को भी कट कर लिया था। और इस तरह से देखिए मैं लगा के रख दूँगी सारी चीज़ों को, अनियन को, और कोरिएंडर भी थोड़ा सा मैं इस पर गार्निश करूँगी, और ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले से ना सलाद का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। और देखिए हमारी सलाद माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब हम करते हैं अपने चिकन कोरमे को डिश आउट। देखिए कितना मज़ेदार टेस्टी और टेम्पटिंग हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल देख जैसा, देख से भी ज़्यादा अच्छा, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, बहुत ही सिंपल वे में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, आपको मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और यार वीडियो को फुल वॉच करें, और मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ।